कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग खत्म हो गई है। मेकर्स ने फिल्म को लेकर बज बनाना चालू कर दिया है। इस कड़ी में टीजर रिलीज करना उनका पहला कदम है। रिपोर्ट्स की माने 15 अगस्त को भूल भुलैया 3 का पहला टीजर रिलीज किया जाएगा, मगर ये ट्रेलर फिलहाल सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगा। इसके लिए मेकर्स ने दुनिया भर के एग्जीबिटर्स और सिनेमाघरों के मालिकों से सीधा डील की है। ये टीजर डिजिटली कब रिलीज किया जाएगा इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। इसी के साथ मेकर्स भूल भुलैया 3 का 75वां दिन लंबा मार्केटिंग कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। भूल भुलैया 3 का टीजर 1 मिनट 32 सेकंड का होगा। ये 15 अगस्त को रिलीज होने वाली स्त्री 2 खेल खेल में और वेदा के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। टी सीरीज ने जमीनी लेवल तक के सभी एग्जीबिटर्स के साथ सीधे डील किया है ताकि फिल्म का टीजर 15 अगस्त में सिनेमाघरों में दिखाया जाए। मेकर्स का उद्देश्य है कि सिनेमाघर पहुंचने वाले सभी दर्शकों को ये जानकारी मिले कि भूल भुलैया 3 दिवाली 2024 वाले वीकेंड में रिलीज होने वाली है। कार्तिक के आने वाले प्रोजेक्ट्स में आशिकी 2 का सीक्वल भी शामिल है, जिसे अनुराग बसु डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि आशिकी 3 के मेकर्स फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ नई नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी को कास्ट करना चाहते हैं। कार्तिक ने इस रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि तृप्ति को कास्ट करना या ना करना मेकर्स तय करेंगे, ऑडियंस को भी एक फ्रेश जोड़ी पर्दे पर देखने को मिलेगी। रणवीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में नजर आई तृप्ति डिमरी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। फिल्म में रणवीर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत चर्चा में थी। आशिकी 3 का तो पता नहीं, लेकिन कार्तिक का ये हिंट इशारा कर रहा है कि भूल भुलैया 3 में उसके साथ तृप्ति नजर आ सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।